नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हो खेती किसानी जानकारी, मैं आपका रविंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं आज की यहीं से जानकारी। हम आपको बता दें कि रोज़ हम आपको एक नई जानकारी देते हैं ताकि आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ सके। इसलिए आप चैनल वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दिया करो ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिल सके। तो अब हम आपको बताते हैं कि भयंकर गर्मियों में आप कौन सी फसल लगाएं जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो गर्मियों के लिए आप गर्मी वाली उड़द लगा सकते हो। गर्मी वाली जो उड़द आती है बहुत अच्छी उसकी पैदावार होती है और ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी सीधी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो इससे आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और इसकी आप बीज की बात करें तो एक बीघे में 3 केजी के हिसाब से इसकी बुआई होती है, यानी 1 एकड़ में 8 से 9 किलो 1 एकड़ में इसकी बुआई की जाती है। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छे से बुआई हो जाएगी और ये सभी प्रकार की ज़मीन में होने वाली वैरायटी होती है, जो कि उड़द बहुत अच्छी वैरायटी है गर्मियों के लिए। ज़्यादातर लोग बरसात में उड़द की खेती करते हैं, लेकिन गर्मियों में जो उड़द की खेती करते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता है, इसलिए उड़द की खेती करना बहुत ज़रूरी है। उड़द की खेती करने में ज़्यादा लाभ है और इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो जो भी किसान भाई उड़द की सोच रहे हो बुआई करना, तो श्रीराम कंपनी का उड़द आता है वो लगा सकते हैं, उससे अच्छा आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा और आने वाले समय में आपको हम और भी जानकारी बताते रहेंगे। अभी हम आपको उड़द के बारे में बता रहे हैं। जो श्रीराम सीड की वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी आती है, इससे आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और इसमें इल्ली की शिकायत आती है तो इसमें इल्ली की दवा डल जाती है। इल्ली की रोकथाम के लिए इल्ली की दवा डलती है, साथ में फल फूल वाली डाल सकते हैं दवा, इससे दाने की साइज बड़ी हो जाए, दाना भी अच्छा है, फलियाँ भी अच्छी लगें, पौधा भी अच्छा हो। तो इसमें आप इल्ली के लिए एमामेक्टेम 5% बेंजोडाइड का स्प्रे कर सकते हो ताकि इल्ली की कोई शिकायत ना आए, और साथ में फल फूल का टॉनिक भी डाल सकते हो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो बहुत अच्छा होता है, ईशान एग्रोटेक का धमाका के नाम से आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है, इससे काफ़ी अच्छी आपको उपज मिले, बढ़िया पैदावार हो। अगर खरपतवार की शिकायत आ रही हो, खरपतवार जमता हो, तो खरपतवार की दवा डल जाती है। खरपतवार की दवा आप 20 से 25 दिन की उम्र में डाल सकते हो, बीज का अपना अंकुरण हो जाए, 20 से 25 दिन में आप खरपतवार की दवा डाल सकते हो, जिससे खरपतवार भी ख़त्म हो जाएगा और अपन काफ़ी अच्छा उससे लाभ ले सकते हैं। उड़द की खेती करना बहुत फायदेमंद हो जाएगी गर्मियों के सीजन में, क्योंकि जो लोगों ने मटर लगाई है, चना लगाई है, उनके खेत खाली हो गए हैं, तो उसमें आप उड़द की बुआई कर सकते हैं। कुछ लोग मूंग भी लगा रहे हैं तो मूंग भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम आपको उड़द के बारे में बता रहे हैं। तो उड़द की खेती बहुत अच्छी लाभदायक होती है, तो जो भी किसान भाई उड़द की खेती की बुआई करना चाहता है तो वो 15 मार्च से और 5 अप्रैल तक बुआई की जाती है। उड़द की गर्मी वाली जो उड़द होती है वो 15 मार्च से 5 अप्रैल तक उसकी बुआई की जाती है। तो मिलते हैं कोई अगले वीडियो में आपको हम, तो तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए आप वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में नई जानकारी आपको मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।